आज के समय में शुक्राणुओं की कमी या जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया यानी शुक्राणुहीनता, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और अक्सर क्लिनिक पर भी आते हैं और वो आके बताते हैं कि उनको शादी को लंबा समय हो गया है लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहे हैं। और जब उनके टेस्ट करवा के देखे जाते हैं, सीमन एनालिसिस या वीर्य की जाँच जब करा के देखी जाती है, तो पता चलता है कि उनको जो स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अगर स्पर्म बन भी रहे हैं तो वो सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो उनकी जो मोटिलिटी है वो मोटिलिटी काफ़ी कम है, और उसकी वजह से उनको संतानहीनता की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी वो पिता नहीं बन पाते हैं। अगर आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें, क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की जो कंडीशंस होती है, यानी उनके जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स को बनाने में और उसके साथ साथ उसकी मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जिसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, यदि आप प्रॉपरली अपने डॉक्टर के गाइडेंस में अगर उसका ट्रीटमेंट लें तो। अगर प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब कभी भी ऐसी समस्या आती है तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन के साथ साथ में आपको डाइट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं पीते हैं वो आपके शरीर पर उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे आप अच्छा खाएंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स जो हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नेचुरली मेडिसिन के साथ साथ में क्या ऐसा खाने पीने में बदलाव करें, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाएँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और उसके अलावा स्पर्म्स की यानी शुक्राणु की मोटिलिटी को भी बढ़ाता है। इस तरह से खाने पीने में ऐसी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। खास तौर से मैं बात करूँगा 10 ऐसे फूड आइटम्स की, 10 खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो कि अगर आप खाते हैं तो आपके स्पर्म प्रोडक्शन में आपको हेल्प मिलती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए अब हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और सीधे हम बात करते हैं कि खाने पीने में ऐसी वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो कि आपको ऐड करनी चाहिए ताकि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में आपको हेल्प मिल सके। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूँगा वो है नट्स, यानी बादाम और अखरोट। खास तौर से अगर आप बादाम और अखरोट आप खाते हैं तो आपको स्पर्म प्रोडक्शन में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि बादाम और जो अखरोट होती है वो सेलेनियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आर्जिनिन का एक अच्छा सोर्स होता है, और जो कि आपके स्पर्म्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको खाने पीने में नट्स आपको ऐड करने चाहिए। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को 8 से 10 बादाम रात के समय में पानी में उनको भिगो कर रखने के लिए कहता हूँ, और उसके बाद उसको सुबह छील कर उसको अच्छे से चबा चबा कर खाने के लिए कहता हूँ। उसके साथ साथ ही आप 2 अखरोट की गिरी भी आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको खाने पीने में ऐड करना चाहिए वो है विटामिन सी से रिच जो फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा, मौसमी या इसके अलावा अमरूद, ये विटामिन सी से रिच होते हैं, और विटामिन सी आपके स्पर्म्स की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, उसको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपने विटामिन सी को अपने खाने पीने में ऐड करें, क्योंकि यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है आपकी बॉडी के लिए। इसी तरह से फ्रूट्स में अनार जो होता है, अनार भी आपके स्पर्म्स की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनार जो होता है, अनार भी अगर आप इसके साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रूट्स में तो केला भी आपके स्पर्म प्रोडक्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि यह विटामिन बी का, विटामिन सी और एक इसके अंदर जो पाया जाता है ब्रोमेलिन जो होता है वो भी आपके स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको केला भी खा सकते हैं, केला भी खाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सब्जियों में, तो सब्जियों में खास तौर से पालक जो होता है वो फोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स होता है, और फोलिक एसिड जो होता है आपके स्पर्म्स की हेल्थ के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के साथ साथ में सब्जियों में ब्रोकली जो होता है, ब्रोकली भी आप खा सकते हैं, ब्रोकली भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस तरह से पालक और ब्रोकली आपके स्पर्म्स काउंट्स को, स्पर्म्स की मोटिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ही जिंक रिच फूड जैसे कि जौ और बीन्स, यह भी जो होते हैं यह भी स्पर्म प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है वो जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट्स की। डार्क चॉकलेट जो होती है आर्जिनिन का एक अच्छा सोर्स होता है, और आर्जिनिन जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, वो भी आपको इसमें हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सी फूड की, तो सी फूड के अंदर ऑयस्टर और फिश, ये फिश में खासतौर से सैल्मन, ट्यूना, सैरडिन, ये जो होते हैं ये जिंक,
सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अच्छे सोर्स होते हैं, जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, स्पर्म्स की मोर्टिलिटी को काउंट को बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं। इसके साथ में हम सीड्स की बात करें तो सीड्स के अंदर पम्पकिन सीड्स जो होते हैं यानी कद्दू के जो बीज होते हैं, वह भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन को यानी शुक्राणु के काउंट को और उनकी मोर्टिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है फाइटोएस्टेरॉल जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं अगर एग्स की, तो एग्स भी आप खा सकते हैं। एग्स में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि आपके ओवरऑल सेमन वॉल्यूम को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, उसके साथ साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ ही रेड मीट जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। नॉनवेज में बात करें तो रेड मीट जो होता है वो जिंक का एक अच्छा सोर्स होता है, और जिंक जो होता है वो आपकी स्पर्म्स की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क जो होता है, मिल्क भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपके सीमेन के वॉल्यूम को इम्प्रूव करने में मदद करता है, उसके साथ साथ स्पर्म्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस तरह से अपने खाने पीने में अगर आप ये बदलाव करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो मेडिसिन है, मेडिसिन होम्योपैथी दवाएं जो भी ले रहे हैं उसके साथ साथ खाने पीने में जो ये चेंज करेंगे, उससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। जब हम जनरली अपने पेशेंट्स को मैं ये डाइट फॉलो करने के लिए कहता हूँ, उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन देता हूँ, और उसके बाद में लगभग मैं 3 महीने के बाद उनको बुलाता हूँ, तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो उसके जो भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, उसके साथ में ये खाने पीने में बदलाव करें और उसके साथ साथ मेडिसिन लें, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक बात और मैं आपके साथ में ऐड करना चाहूँगा कि यदि आप स्मोकिंग, अल्कोहल और उसके अलावा अगर आप कोई भी तरह का व्यसन करते हैं, तो अपना वजन आपका ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करें और उसके साथ साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएँ। अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह आप अवॉइड करें और तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो भी खाने पीने में बदलाव मैंने जो आपको सजेस्ट किया वो करेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी कि खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में आपको हेल्प मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।